क्वेश्चन है कि एक टैंक है, एक टैंक में लिक्विड है और यहां पर एक होल कर दिया, होल में से वाटर बाहर निकला, वाटर बाहर निकला विद वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वी, पानी जैसे ही बाहर निकला कंटेनर पे फोर्स लगी और झटके से कंटेनर पीछे जाने लग गया। हमने ये कभी डिस्कस नहीं किया, पर वो कह रहा है कि ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, अब कंटेनर पे रिएक्शन फोर्स लगेगी, कंटेनर पीछे जाएगा, पीछे जाने की फोर्स बोलो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो फोर्स की वैल्यू होगी क्या, डीपी बाई डीटी। डीपी क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। जब किसी पाइप में से एयर या लिक्विड बाहर निकलता है, हमने लॉज ऑफ मोशन में किया था, वेलोसिटी बाहर रखते हैं और मास अंदर रखते हैं, डीएम बाई डीटी, कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड। मास होता क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना, वॉल्यूम पर सेकंड, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। अब वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्क्वायर। तो प्लीज एक फॉर्मूला नोट करें अपने फॉर्मूला बुकलेट में कि अगर ये कंटेनर है जिसमें ये होल है, बैकवर्ड फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये डायग्राम बना लें, ये डायग्राम बना लें और डायग्राम के साथ ये नोट कर लें फॉर्मूला, वी स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ होल इनटू डेंसिटी, वी स्क्वायर ए रो, वी स्क्वायर ए रो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ही आया हुआ है, दो होल्स कर दिए, कहता एक होल यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक में लिक्विड का लेवल H1 है, एक में लिक्विड का लेवल H2 है, तो वेलोसिटी जो बाहर निकल रही है अंडर रूट ऑफ 2gH1 है और वेलोसिटी जो यहां बाहर निकल रही है अंडर रूट ऑफ 2gH2 है। तो ये वेलोसिटीज हैं, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं नेट फोर्स क्या लगेगी, भाई नेट फोर्स में क्या होगा, इधर और इधर की फोर्स को माइनस कर दें। अब हमें तो पता है कि लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो फोर्स क्या लगती है, V1 स्क्वायर A रो, और यहां से क्या लगेगी, V2 स्क्वायर ए रो, ये रो है, रो 2 नहीं है, लिक्विड सेम है, रो। अब V1 V2 वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स दोनों होल्स की पता है, माइनस करके आंसर मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें, ठीक। ये देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन है,
तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है जिसमें ना एक मास सीरा एक पानी के अंदर मास डाल दिया, उसने लिक्विड में डाल दिया। अब अगर इसकी एक्सेलेरेशन निकाल लो क्या होगी, अब एक पानी में से निकल रहा है और एक हवा में है, या उल्टा बोल लो एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर है। इसका वेट क्या है, एम ए जी, इसका वेट क्या है, एम बी जी। बी मास का वॉल्यूम गिवन है। अब प्रॉब्लम यह है कि लिक्विड के अंदर इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या है, वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, क्योंकि अपथ्रस्ट में डेंसिटी किसकी यूज करते हैं, लिक्विड की। तो इसके अंदर क्या गिवन है, दोनों मास की रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है। तो एम ए अगर 2m है तो एम बी क्या है, 3m है। बी मास, जो बी मास है ब्लॉक बी वाला, इसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी गिवन है। आपको निकालना है एक्सेलेरेशन क्या होगी सिस्टम की। तो एक्सेलेरेशन होगी क्या, अगर ये लिक्विड ना होता तो इसका वेट माइनस इसका वेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब एम बी जी, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो एम बी जी माइनस यू, इसका वेट माइनस अपथ्रस्ट, और इसका वेट क्या है, एम ए जी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। ठीक, तो एक ही रूल है इसमें, बस जो एक्चुअल वेट है बी का, वो एक्चुअल वेट नहीं काउंट होगा, वो अपथ्रस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो एम बी का मास 3m है, एम ए का मास 2m है, एम ए का मास 2m है, एम बी का मास 3m है। अपथ्रस्ट हमें पता है। अब डेंसिटी ऑफ जो वाटर है उसको क्या पुट करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम ऐसा पुट करेंगे तो न्यूमिनेटर में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या है, मास ऑफ बी, और मास ऑफ बी क्या है, 3m। सॉल्व करके आंसर आएगा। सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ कि रूल वही है, बाकी कैलकुलेशन है। आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके क्या करना है, मास निकालना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मास की वैल्यू के बना है, अपने आप मासेस कट करके आंसर आएगा। रूल समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, बेसिक रूल तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये जो की है। उसके बाद तो वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है आपने, जैसे भी करना है।